टू स्ट्रोक इंजन के बारे में चर्चा करेंगे। फोर स्ट्रोक इंजन में क्रैंक के दो रिवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक अपन को प्राप्त होता है, जबकि टू स्ट्रोक में अपन को क्रैंक के एक रिवोल्यूशन में ही एक पावर स्ट्रोक मिलता है। टू स्ट्रोक इंजन के जो मेन एलिमेंट है वो इस फिगर में बताए गए हैं। ये फिगर में सबसे पहले अपने एक सिलेंडर होता है, एग्जॉस्ट पोर्ट है, इंटेक पोर्ट, इधर ये ट्रांसफर और ये सिलेंडर, कनेक्टिंग और क्रैंक, क्रैंकेस, ये स्पार्क प्लग, स्ट्रोक इंजन में। फोर स्ट्रोक इंजन से ये डिफरेंस होता है कि इसमें वाल्व मैकेनिज्म नहीं होता, इसमें केवल पोर्ट होते हैं। पोर्ट का मतलब ओपनिंग है। जो तीन इसमें पोर्ट बताए गए हैं वो इंटेक पोर्ट है और ये ट्रांसफर पोर्ट है और ये एग्जॉस्ट पोर्ट है। ये आप टॉप डेड सेंटर टीडीसी और ये बीडीसी। इसमें जो इंटेक पोर्ट है इससे एयर प्लस फ्यूल इसमें एंट्री करेगा और वो क्रैंक केस में आएगा इससे, और ट्रांसफर पोर्ट से होता हुआ ये अपने कंबस्टन चेंबर में जाएगा। ये आप कंबस्टन और इसका दहन होने के बाद में एग्जॉस्ट गैसेस के रूप में एग्जॉस्ट पोर्ट से ये बाहर निकल जाएगी। ये जो पिस्टन पीडीसी से जब टीडीसी की ओर जाएगी तो इसमें यहाँ पे ट्रांसफर जो पोर्ट है वो खुला हुआ है, एग्जॉस्ट पोर्ट खुला हुआ है। ये पिस्टन के ऊपर डिफ्लेक्टर लगा हुआ है, इससे जो चार्ज इसमें है जो क्रैंक केस में है वो ट्रांसपोर्ट से
सिलेंडर पे आ जाएगा और सिलेंडर में पहले वाले जो पिस्ट्रोक का जो भी बची हुई गैसेज है, एक्सेल गैसेज है, वो इनके दबाव के कारण बाहर निकल जाएगी और पिस्टन जैसे ही ऊपर इस पोजीशन पे आएगी तो दोनों आपका ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों यहाँ पे बंद हो जाते हैं और जो इंटेक पोर्ट है वो खुलता है। इस इंटेक पोर्ट से इसमें आपके फ्यूल और एयर सक होती है। यहाँ पे ये एयर फ्यूल जो है वो कंप्रेस होगी और कंप्रेस होने के कारण इसका प्रेशर अधिक हो जाता है और इसी वक्त स्पार्क प्लग से स्पार्क इसमें प्रोड्यूस किया जाता है। स्पार्क प्रोड्यूस करने से ये जो ईंधन था उसका दहन होता है। ईंधन की दहन की वजह से ये पिस्टन है अपनी वो प्रेशर की वजह से नीचे की तरफ पीडीसी की तरफ चलेगा और इसके दहन होने में ही ये जो अपना दहन होने के बाद एग्जॉस्ट पोर्ट खुलता है तो सारी गैसेज बाहर निकलने के लिए भी तैयार रहती है और जैसे ही पिस्टन वापस ऊपर आएगी तो फ्रेश चार्ज इसमें आएगा और एग्जॉस्ट गैसेज बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार टू स्ट्रोक इंजन में एक रिवोल्यूशन में ही अपन को एक पावर स्ट्रोक मिल जाती है और ये इसका जो पावर टू वेट रेशियो अधिक होता है इसलिए टू स्ट्रोक इंजन प्रेफर करते हैं। टू स्ट्रोक डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में ये फर्क होता है कि यहाँ पे अगर ये डीजल इंजन होगा तो इसमें यहाँ पे इंजेक्टर लगा देंगे इसकी जगह फ्यूल इंजेक्टर और यहाँ पे अपने ए जो फ्यूल है उसकी उसमें इंटेक में केवल अपना डीजल ही इसके अंदर एंट्री करेगा। इस प्रकार टू स्ट्रोक इंजन वर्क करता है।